दोस्तों, कॉमिक्स की दुनिया में आजकल असल और नकल की बड़ी महाभारत चल रही है। कॉमिक्स जगत में ये बात कोई नई नहीं है और इस पर चर्चा किसी दूसरे वीडियो में हम करेंगे। क्योंकि अब राधा कॉमिक्स में कैरेक्टर की लिस्ट अब ख़त्म होने को है और जाते जाते हम एक ऐसे किरदार की बात करेंगे जो था तो राधा कॉमिक्स का पहला किरदार, लेकिन दुर्भाग्य से वह कॉमिक्स उसकी पहली और आखिरी कॉमिक्स साबित हुई। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूँ आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहाँ करते हैं कॉमिक्स से जुड़ी ढेर सारी बातें। और आज हम बात करेंगे राधा कॉमिक्स के फर्स्ट सुपर हीरो नागेश के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो से आप नोटिफाइड रहें। साथ ही साथ ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। दोस्तों, अगर आपने ये कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ इसे पढ़ लें, क्योंकि इस वीडियो में हम इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम किसी भी प्रकार की पायरेसी का समर्थन नहीं करते हैं। यह वीडियो हम अपने व्यूअर के एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं। दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नागेश राधा कॉमिक्स की पहली कॉमिक्स थी, जिसके लेखक थे टीकाराम सिप्पी और चित्रांकन किया था किशोर ओबराय ने। आइए पहले इसकी कहानी पर बात कर लेते हैं, फिर बाकी बातें होंगी। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर नागपाल के म्यूजियम हॉल से, जहां पर कई प्रभावशाली व्यक्ति पहुंचे हुए थे। वहां पर नागपाल नागमढ़ी की प्रदर्शनी कर रहा था, तभी वहाँ कुछ नकाब पोसा कर वह नागमढ़ी छीन लेते हैं। अब नागमढ़ी पहुँचती है अपराधी वैज्ञानिक प्रोफेसर अम्बरीश के पास। वह एक मृत जिम्नास्ट अर्जुन के शरीर में इसका प्रयोग करता है। मणि के धारक नाग की आत्मा अर्जुन में समा जाती है और अर्जुन नागेश के रूप में जीवित हो उठता है। प्रोफेसर अम्बरीश नागेश को आतंकी हथियार के रूप में पेश करता है। नागेश्वर बाबा नामक ऋषि उसे रोकने की कोशिश में मारे जाते हैं। नागेश्वर बाबा की बेटी कामनी और उनके भाई ऋषि नागेंद्र नागेश को रोकने निकल पड़ते हैं। इधर नागेश प्रोफेसर अम्बरीश के साथ उसके आपराधिक गतिविधियों में उसका साथ देता है। गैंग वार के बीच नागेश घायल हो जाता है। नागेंद्र बाबा उसे अपने साथ ले आते हैं। होश आने पर नागेश को अपनी पिछली करनी का अफसोस होता है। प्रोफेसर अम्बरीश के साथ मुठभेड़ में कामनी मारी जाती है। नागेश कामनी की लाश पर प्रण करता है कि भारतवर्ष में कोई भी अपराधी अब जीवित नहीं रह पाएगा। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद आने वाली कॉमिक्स एलाने जंग प्रकाशित नहीं हो पाई थी, क्योंकि मिलती जुलती स्टोरी और कंटेंट के कारण राज कॉमिक्स ने राधा कॉमिक्स पर केस कर दिया था और काफ़ी विवादों के बाद फैसला राज कॉमिक्स के पक्ष में गया। इसके साथ ही नागेश वह कॉमिक्स बन गई जिसकी बात तो राधा कॉमिक्स वाले भी नहीं करना चाहते होंगे। एक कॉमिक्स के बाद ही नागेश को बंद करना पड़ा। वैसे तो कहानी के हिसाब से नागेश ने हमें बिल्कुल निराश नहीं किया था। नागेश नागराज से मिलता जुलता जरूर था, लेकिन पूरी तरह इसे कॉपी नहीं कहा जा सकता था। अगर चित्रांकन नागराज से मिलती जुलती ना होती तो शायद नागेश कॉमिक्स हमें आगे भी पढ़ने को मिलती। तो दोस्तों, यह थी राधा कॉमिक्स की पहली और सबसे अधिक विवादित नागेश की कहानी। अगर आपने यह कॉमिक्स पढ़ी हो तो अपने विचार भी हमें ज़रूर बताइएगा और जाते जाते यह भी सजेस्ट कीजिएगा कि अगली बार हम किस पब्लिकेशन के कैरेक्टर्स पर वीडियो बनाएं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसके कमेंट्स में डिमांड ज़्यादा होंगे उसी पर वीडियो भी आगे बनाई जा सकती है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जैसे भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। साथ ही ऐसी ही कॉमिक रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट या सुझाव अगर आपके पास हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएँ। साथ ही ये भी बताएँ कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। इस वीडियोज़ में कोई फैक्ट अगर हमसे मिस हो गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। हमसे और भी अपडेट लेने के लिए आप हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।